ओमिक्रॉन कोविड तो हम पिछले 3 साल से हम वी आर फाइटिंग विद कोविड, कोई नई चीज़ नहीं है। अब हम लोगों को पता है व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओमिक्रॉन जो है ये एक कंटेजियस, हाईली कंटेजियस, कंटेजियस मीन्स ये बहुत जल्दी फैलता है, इस वजह से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं। वही फीवर, हेडेक, जुकाम जो हम बोलते हैं, खांसी, जुकाम, सर में दर्द, यही सिम्टम्स है। बॉडी एक्स, पूरी बॉडी में दर्द लगता है, ये वही सिम्टम्स हैं जो पिछले कोविड जो था उससे भी यही सिम्टम्स हो रहे थे। लेकिन अब इसमें एक चीज़ है कि ये सिम्टम्स थोड़े माइल्ड हैं, पेशेंट एडमिशन कम है, 20% पेशेंट्स में एडमिशन की ज़रूरत है विथ ओमिक्रॉन, 80% पेशेंट्स खुद रिकवर हो रहे हैं। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन SOPs वी हैव टू फॉलो, हमें कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। आज भी बहुत से पेशेंट्स हमारे OPDs में आते हैं जो विदाउट मास्क आते हैं, उनको लगता है ये कोविड है ही नहीं कुछ। वी शुड बी क्लियर, प्रेगनेंट लेडीज ऑलरेडी इम्यून कॉम्प्रोमाइज होती हैं, एज आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट वर्किंग इन GMC अनंतनाग, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँगी कि प्रेगनेंट लेडीज़ के हवाले से प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़्यादा एहतियात करना है, अननेसेसरली घर से नहीं निकलना है फॉर कंसल्टेशंस, जब कोई इमरजेंसी हो तब हॉस्पिटल्स में आना है, और हॉस्पिटल्स में अपने नज़दीकी हॉस्पिटल्स सच एज PHCs, CHCs, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर छोटी सी चीज़ के लिए हमारे हॉस्पिटल GMC अनंतनाग आ जाए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, उस वजह से कोविड ज़्यादा फैलता है, जितना ज़्यादा कंजेशन हो जाती है। इसलिए जब उनको वैसा कुछ लगे वहाँ से फिर रेफरल हो जाएगा, पेशेंट्स को वहाँ से रेफर करेंगे इफ़ दे नीड, तो फिर वो हमारे पास आएंगे। ऐसे उनको अननेसेसरी हॉस्पिटल विजिट शुड बी अवॉइडेड, और ज़्यादा अटेंडेंस, एक पेशेंट के साथ 10-10 अटेंडेंट्स आ रहे हैं हॉस्पिटल में, वो चीज़ नहीं करनी है। एक पेशेंट के साथ एक या दो अटेंडेंट्स भी आ जाएं, दैट्स इनफ, उनको ज़रूरी नहीं है कि 5-10 लोग साथ लाने हैं। उस वजह से भी हमारे हॉस्पिटल में, स्पेशली शेरबाग हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, उस वजह से डॉक्टर्स भी सफ़र कर रहे हैं। हमारे 8-10 डॉक्टर्स पॉजिटिव हैं, पैरामेडिक्स में भी 8-10 पॉजिटिव इस स्टेज पे। अगर डॉक्टर्स ही पॉजिटिव हो जाएंगे, पैरामेडिक्स, फिर ट्रीटमेंट कौन करेगा पेशेंट्स का, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एवरीबडी हैज़ अ फैमिली, सब डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ की, उनका भी घर है, उनके बच्चे हैं, वो भी सोचना है कि अननेसेसरली हम हैं, वी आर हेयर फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स, वी हैव टू डील विद कोविड पॉजिटिव, इवन कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स, हमें ट्रीट करना है, हमारा काम है, हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है टू द पब्लिक दैट दे शुड फॉलो SOPs, अननेसेसरली हॉस्पिटल विजिट्स ना करें, और अगर सिम्टम्स हैं आप घबराइए नहीं, यू कैन कॉल अस, टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी है GMC में, आज हम आपको एडवाइस कर सकते हैं आप क्या करेंगे, आप कौन सी दवाइयाँ लेंगे, एंड यू शुड स्टे होम, स्टे सेफ। किसी भी एज में हो सकता है ओमिक्रॉन, किसी भी एज में हो सकता है, एज कोई स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी एज में। अलबत्ता एक चीज़ है कि जो छोटे बच्चे हैं दे आर नॉट वैक्सीनेटेड, बिलो 10 अभी तक नहीं था, बिलो 18 भी नहीं था अभी तक, अब हो रहा है इस टाइम वैक्सीनेशन, लेकिन उससे 10 ईयर से जो नीचे है एज ग्रुप उसमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। इसलिए छोटे बच्चों को भी उनको ज़्यादा चांसेस हैं होने के कोविड, एंड दे कैन बी एज कैरियर्स, बच्चे को हो गया वो अपनी फैमिली को दे सकता है कोविड। बाकी जो भी वैक्सीनेटेड हैं उनमें माइल्ड सिम्टम्स है यूजुअली बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीनेशन। हमने देखा कि इस टाइम वैसा एडमिशन नहीं है, वेंटिलेटर्स पे पेशेंट्स नहीं हैं, हमारे GMC अनंतनाग में उतना IPD रश नहीं है, वो चीज़ एक अच्छी चीज़ है इसमें देखी गई है, बट वी शुड बी कॉशियस, हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। लेडीज़ हमारे पास आ रही हैं, अब है कि जो जिसको माइल्ड सिम्टम्स है हम उनको एडवाइस कर रहे हैं, आप घर में बैठिए, होम आइसोलेशन, प्रिकॉशंस लीजिए, ड्रग्स हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे कैन टेक, वो डर रहे हैं कि हम एंटीबायोटिक्स ना लें, मगर वो ले सकते हैं एंटीबायोटिक्स, वार्म फ्लूइड्स, गर्म पानी फ्रीक्वेंटली लेना है, और घर पे ही बैठना है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर उनको कुछ ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स लग रहे हैं देन वी हैव कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स, फॉर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग वी हैव ट्रामा हॉस्पिटल बिजबिहारा, मतलब दे कैन गो देयर। जब वो अगर उनको लगेगा फ्रॉम ट्रामा हॉस्पिटल के पेशेंट को हम यहाँ नहीं डील कर पा रहे, तो दे कैन रेफर देम टू द हायर सेंटर, दैट इज़ कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स इन श्रीनगर जो हमारे हैं, जो पिछले साल भी थे कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स, जिसमें हमारा ये JVC हॉस्पिटल है, JVC जा सकते हैं अगर वैसा लगा, अदरवाइज डरने की बात नहीं है, दे स्टे होम। ये माइल्ड फ्लू, दिस हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ फ्लू, ये पैंडेमिक है इस टाइम, डरने की बात नहीं है। मैसेज है, आप घबराइए नहीं, डोंट बी पैनिकी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठिए, दवाइयाँ लीजिए, आइसोलेट कीजिए अपने आप को,
स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़, उनको इस टाइम भी अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए बाकी फैमिली मेम्बर्स से, क्योंकि बाकी फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं जा रहे हैं घरों से, तो उनको अलग ही रहना चाहिए. और मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट दीज क्लोथ मास्क, ट्रिपल लेयर अगर वो लें, ट्रिपल लेयर मास्क लगा के घरों से बाहर निकले, मास्क के बगैर नहीं. बिकॉज अभी हम अभी एक दो हफ्ते के बाद पता चलेगा व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस. अभी अब कोविड हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस बाद में डेवलप होती हैं, इसलिए बेहतर है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, इसलिए एहतियात करें, वही मेरी रिक्वेस्ट है सबसे. डीसी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको मिले हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले.